राष्ट्रहित में महंगाई बर्दाश्त करते रहे जब राष्ट्रहित में महंगाई, इसको महंगाई नहीं कहेंगे, बीजेपी वाले फंड तो दे ही रहे अंदर से। अच्छा। वैसे का कोई वजूद नहीं उत्तर प्रदेश में। 7 सालों में मोदी जी ने क्या कर दिया, धर्म, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, क्या करोगे, देश को बेचोगे, सुनिए, धर्म खाने देगा, आप हिंदू मुसलमान करेंगे, हाँ धर्म खाने देगा। कोई कमेंट नहीं, कोई कमेंट नहीं, कोई कमेंट नहीं इस पे, कोई कमेंट नहीं, कोई कमेंट आप हैं। समाजवादी में 35 काम मैं गिना सकता हूँ, बीजेपी वाले 4 काम गिनाते हैं। पूरी तरीके से फेल है भाजपा सरकार और आगे भी फेल होती रहेगी, क्योंकि इनके पास कोई भी पॉलिसी, जनता के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ, अपने लिए पॉलिसी बहुत बनाई इन्होंने। नमस्कार आदाब, मीडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। लखनऊ की जनता हमारे साथ मौजूद है। जनता के साथ साथ में कुछ वो लोग भी हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं। जमीनी स्तर पर किस तरीके से 4 से 4.5 साल के कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए हैं, इन्हीं लोगों से हम जानेंगे। और उत्तर प्रदेश की ये लखनऊ जो जगह है, राजधानी में हम यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हीं से जानेंगे किस तरीके के यहाँ पर विकास हुए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सूरज जसवानी, मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी में। और सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही है, जो 70 साल में नहीं हो पाया वो भारतीय जनता पार्टी में हो गया है, चाहे वो पेट्रोल 100 पार हो या डीजल हो या खाने का तेल सरसों का हो, वो 200 को है, किस तरीके से देखते हैं सर ये महंगाई? देखिए, नज़रिया होना चाहिए देखने का, ये नज़रिया हमारे, हम पब्लिक के ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड करता है हम किस तरीके से देखते हैं। कुछ कार्य भी हुए हैं, कुछ नहीं, बहुत कार्य हुए हैं, उन्हें गिनने और गिनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनको जो जिनको मालूम है, जिनको पता है भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, वो ये बता सकते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने जो 70 साल में नहीं हुआ था वो आज हुआ है। सिर्फ इस चीज़ को मत देखिए कि आज क्या बढ़ा है, क्या घटा है, आज ये देखिए कि क्या कार्य हुए हैं, क्योंकि कार्य से सब कुछ है। कार्य होंगे तो खर्चा बढ़ेगा ही, सीधी सी बात है। अब आप ये सोच लीजिए, कोविड के समय पे DRDO लखनऊ के माननीय हमारे सांसद श्री राजनाथ सिंह जी ने DRDO से एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल का निर्माण कराया है सिर्फ कोविड के लिए, जिससे तीसरी लहर के लिए हम सब तैयार हैं और पूरी तरीके से तैयार। कहने का मतलब है जो महंगाई है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाए, जो और काम है उसकी तरफ ध्यान, पहले आप उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि निर्माण होगा तो ही सब कुछ होगा। निर्माण से ही सब कुछ है। जब निर्माण हुआ है और जो कार्य हुए हैं आप उन्हें देखिए, आप उन सब चीज़ों को अभी मत देखिए, आप ये पहले देखिए कि क्या हमारे पास क्या हुआ है जो आज तक नहीं हुआ। राष्ट्रहित में महंगाई बर्दाश्त करते रहे जब। राष्ट्रहित में महंगाई, इसको महंगाई नहीं कहेंगे, आप एक तरफ ध्यान दे रहे हैं दूसरी तरफ नहीं देख रहे हैं। निर्माण को आप पहले देखिए कि क्या क्या कार्य हुए हैं, क्या क्या कार्य हुए, कार्य हुए, कई ओवरब्रिज बने हैं, जहाँ सड़कें नहीं बनी थी वहाँ सड़कें बनी हैं, छोटे छोटे गांव मोहल्लों में जो सड़कें नहीं थी आज वहाँ पे सड़कें बनी हैं, आज उन लोगों को सुविधाएं मिली हैं, नाली नाले जो साफ़ नहीं होते थे आज वो हो रहे हैं। नगर निगम देखिए, आज सच में लखनऊ को आप ग्रीन सिटी बोल सकते हैं। आज पब्लिक को देखिए किस तरीके से खुली हवा ले पा रही है, आप कम से कम ये चीज़ देखिए। तो भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता की आपने बात सुन ली है, यहाँ पर और कुछ लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। सलमान जी, क्या लगता है 2022 का चुनाव किस तरीके से पलटने जा रहे हैं, दोबारा से बीजेपी विराजमान होंगी, किस तरीके से देखते हैं 4.5 साल के कार्यकाल को? भाजपा सरकार पूर्ण रूप से फेल हो चुकी है, बिल्कुल। कार्यकर्ता जी तो कह रहे हैं, बोले जो काम नहीं हुए हैं वो इस 70 साल में कर दिखाए, वो सब आप पिछले 5 साल से लगभग 4 साल से देख रहे हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ में कितनी बार दिखे होंगे? कितनी बार दिखे हैं? हमारी समझ तो नहीं दिखे हैं, नहीं दिखे हैं यहाँ पर राजनाथ जी, नहीं दिखे हैं क्या? अगर आप एक्सेंट देखना चाहेंगे तो एक्सेंट आपको दिखेगी, ऐसा नहीं है, ये देखने का नजरिया है, मैंने आपको पहले भी बोला है, आप देखने का नजरिया। जैसे हम लोग लोकल हैं, सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं समाजवादी पार्टी के, चाहे हमारे राजनाथ सिंह जी हों, वो कभी नहीं दिखे शहर में, और प्लस जो यहाँ के निवर्तमान विकास कितना हुआ, विकास के ऊपर विकास आप लोग तो भैया, हम लोग तो ज़्यादा लगभग देख रहे हैं, पूरे देश प्रदेश में दिख रहा है विकास कितना हुआ, पेट्रोल डीजल गैस। अच्छा, 2022 में किसकी सरकार लग रहा है, किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी। अगले से यादव ने विकास किया था, चौतरफा विकास किया था। जब विकास किया था तो 17 में अलविदा क्यों कहा जनता ने? अब परिवर्तन जनता चाहती है, जनता को लग रहा था हो सकता है कि भाजपा इससे कुछ बेहतर कर सके, लेकिन भाजपा पूर्ण रूप से फेल हो गई। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी में हुआ करती थी, वो सब खत्म हो गई। वो सब कहने की बातें भैया कि गुंडागर्दी सपा सरकार में थी, वो सब कहने की बातें आज ही अखबार में पढ़ा है, आपने देखा होगा, हमारे मीडिया बंधुओं ने छापा है उसको,
कि एक छोटा सा मामले को लेकर इंदिरानगर में बगल की विधानसभा के विधायक माननीय अविनाश त्रिवेदी जी गए, उनकी हनक ये है कि वो जाके सीधे इंस्पेक्टर की कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं। मेरे पास अभी तुरंत की कटिंग मत देख रहा था, तुरंत मेरे पास कटिंग है, बल्कि हमारे समाजवादी पार्टी ने उसको अपने हैंडल पर डाला भी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में नई नई पार्टियां दस्तक दे रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, वैसे जी दोबारा से आ रहे हैं, क्या लगता है चुनाव पलटेगा क्या होगा? भैया डेमोक्रेसी है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वैसे भी अपना आके देख लें, वैसे का कोई वजूद नहीं उत्तर प्रदेश में। तो ओवैसी जी का कोई वर्चस्व नहीं लग रहा है आपको? नहीं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होता है वो जातिवाद में ज़्यादा बढ़ता है, तो लगता है आपको उत्तर प्रदेश का चुनाव फिर जातिवाद में बढ़ता? नहीं भैया, इस बार जनता बिल्कुल पूर्ण रूप से मन बना चुकी है कि समाजवादी सरकार बनाना है। सर आप क्या कहना चाहते हैं, क्या नाम है सर? जी मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीकी है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा सरकार पूर्ण तरह से फेल हो चुकी है, फेल हो गई है। कि आप अगर देखें सत्तर साल में आज जो पेट्रोल के दाम हैं वो 100 के पार जा चुके हैं। अगर इसी तरीके से अगर भाजपा ने देखा जाए, अगर भाजपा ने अपना फ्यूचर प्लानिंग बनाया कि हम आज से 10 साल और रहेंगे, तो ये जो पहले पेट्रोल था 60-65 रुपए में वो हो जाएगा 200 पार हो जाएगा। तो अब देखिए, आप 80 रुपए का 700 का तेल हुआ करता था, आज 200 में चला गया। मतलब आप खाने पीने से लेकर ओढ़ने तक और गाड़ी से जो भी व्यापार होता है वो डीजल के थ्रू होता है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पूरा तेल पर जो है डिपेंड होता है। अब जब तेल महंगा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है हर एक एक चीज़ महंगी हो जाएगी। तो मैं ये मानता हूँ कि पूरी तरीके से फेल है भाजपा सरकार और आगे भी फेल होती रहेगी, क्योंकि इनके पास कोई भी पॉलिसी, जनता के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। हाँ, अपने लिए पॉलिसी बहुत बनाई है उन्होंने, लेकिन जनता के लिए कोई पॉलिसी नहीं। तो कह रहे हैं दूरदृष्टि से देखिए भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल दूरदृष्टि से देखना चाहिए, दूरदृष्टि से जो है गधी भी परी नज़र आती है तो बिल्कुल नज़र आएगी, कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें। और क्या, अब जाहिर सी बात है आप देखिए, जो 60 रुपए का जो है पेट्रोल था 100 रुपए में हो गया, हम दूरदर्शी से देख तो रहे हैं 100 रुपए का, और किस तरीके से देखें। 80 रुपए का जो है तेल हुआ करता था खाने वाला, सरसों का तेल, आज 200 रुपए में हो गया, और कितना दूरदर्शी देखें भाई। और महिला सुरक्षा की बात करें आप देखिए, अगर समाजवादी पार्टी को कहेंगे कि गुंडा की सरकार है, तो आप देखिए कितने, अभी इलेक्शन हुआ जो जिला पंचायती का, उसमें देखिए कि पिस्टल लगा के पीछे जो है सबके नामांकन पत्र छीने जाते हैं। सर भाजपा के हमारे पास कार्यकर्ता हैं, क्या कहना चाहते हैं सर, इनकी बातों का जवाब दीजिए जिस तरीके से कह रहे हैं पिस्टल हाथ में। कोई कमेंट नहीं। आप भैया सीधी बात है, जनता है, बोलने का अधिकार सबको है, हम जानते हैं। आपको देखना है, आप दूरदर्शी से देखिए कौन क्या करता है, आप कौन क्या करता है, देखिए आप खुद ही देख रहे हो। अधिकार तो है, लेकिन ये नहीं देख रहे, कांग्रेस ने करोड़ों रुपए कर्जा लेकर के पेट्रोल सस्ता किया, उसका 2.5 लाख रुपया वो कर्जा दे रही है, कौन दे रहा है? करोड़ों रुपए, 2.5 लाख, 2.5 करोड़ रुपया कर्जा दे रही है ये गवर्नमेंट, कौन दे रहा है, किस पर जाएगा टैक्स? अपना, कांग्रेस ने अपना घर भरा, अपनी बेटी का, अपने दामाद का भरा, हम लोग क्या भरा है? सिर्फ आपको 5-10 रुपए कम कर दिया, आप खुश हो गए, वाह 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 है। अरे कोई हर चीज सोचिए समझिए तब बोलिए आप बोलने से पहले। जो अरबों रुपए तो अरबों रुपए क्या इससे जो सारा नहीं, सारा कर्जा जो है पेट्रोल से ही भरा जाएगा, सारा कर्जा पेट्रोल पर, इससे पहले क्या कर नहीं जाता था, हर कोई इनकम टैक्स भरता था, इनकम टैक्स बढ़ा दिया गया, 25 करोड़ नहीं जाता हर साल 25 करोड़ नहीं जाता, अगर देते तो वो तो रवैया भेज दिया, दे रहे जो गवर्नमेंट आएगी वो देगी, या तो ना दे, महंगाई कम कर दे। तो महंगाई जो है तेल, जाहिर सी बात है महंगाई जब तेल बढ़ेगा, डीजल का दाम बढ़ेगा, तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। तो वो कर्जा कहाँ से लेगा, अपने घर से लेगा, कहाँ से ले रहा है? अपनी तनख्वाह तो पूरी ले लिया है, अपनी तनख्वाह तो कोई भी नहीं ले रहा है। जी अब इनकी इनका अपना ओपिनियन है, ये तो जाहिर सी बात है इनका अपना ओपिनियन है, हमारा अपना। पेट्रोल में बोल रहे हो, 10 रुपए पेट्रोल में बोल रहे हो, और जो करोड़ों रुपए कर्जे में जा रहा है, इंटरेस्ट में जा रहा है, वो कौन देगा? है जिम्मेदार किसे मान रहे अंकल? कांग्रेस सापा, सब अपना घर भर रहे हैं, आपको 10 पैसा नहीं मिलेगा, आपके 10 पैसा इंटरेस्ट लेते हैं वो अपने घर के लिए लेते हैं, हम इनकम टैक्स देने के मर रहे हैं, वो साले अपने घर भरते हैं, इनको दूरदर्शी बोलते हैं। आप ही के सामने आ गया सब कुछ, सही है की जरूरत है, हम मुसलमान पहले भी हमारे भाई थे और आज भी भाई है, हमें मुसलमानों को कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो बोलो। बहुत सही चाचा भैया, ना मुसलमान है ना हिंदू है,
ये मोबाइल की देन है कांग्रेस वालों की। बात समझ रहे, मैं कांग्रेस नहीं हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का युवा नेता हूँ। अम्बेडकर नगर और शहर और गांव से और छोटा व्यापारी भी हूँ और गांव से लेकर शहर तक दोनों में संबंध रखता हूँ। अगर आज पीढ़ी में मोबाइल आई है, बात सुनिए, और अगर आज के युवा में सुनिए, 7 सालों में मोदी जी ने क्या कर दिया, धर्म, हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, क्या करोगे देश को बेचोगे, सुनिए, धर्म खाने देगा आप हिंदू मुसलमान करेंगे यहाँ, धर्म खाने देगा, आप बताइए, धर्म खाने दे रहा हो तो आप बताइए, समाजवादी पार्टी चार काम कोई बीजेपी का आदमी गिना दे, चार चार काम कोई गिना दे, चार काम, चार काम समाज, हम कहते हैं समाजवादी में 35 काम मैं गिना सकता हूँ, बीजेपी वाले चार काम गिनाते हैं। सर साला टोटी चोर तो है, और क्या चाहिए, टोटी चोर करके ले गया, ये पूरा गणित है, क्या है, क्या है, क्या है, तो क्या अपना सामान थोड़ी छोड़ के चले जाएंगे, तो क्या सरकारी किराए थे, आप क्या कहते, कोई चार काम गिना दीजिए सर, आप सारे काम तो विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने, गुंडा राज खत्म किया, ये चार काम कर रहे हैं, ये 35 गिराने को तैयार है, आप चार काम गिना, अरे गुंडा राज खत्म किया भारतीय जनता पार्टी ने, और क्या लेंगे आप, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी ने, कहा बीजेपी वाले ने नहीं किया, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, गुंडा राज, समाजवादी पार्टी ने भी तो गुंडा राज किया था पंचायती चुनाव में, अभी ये सत्य का चुनाव होता भाई साहब, ठीक है, जिसकी सरकार जिसकी लाठी उसी की भैंस, समझ रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी कभी समाज को लेकर साथ चलती है, समझ रहे हैं, और बीजेपी क्या कर रही है, युवाओं को तोड़ डाली, आपने रोजगार दिया क्या, ये कोई रोजगार हमको बता दीजिए, हमारी बात सुनिए, समाजवादी पार्टी 35 काम दी थी, उस समय युवा भी कुछ था, व्यापारी भी कुछ था, महाराज जी, महाराज बोलो, समाजवादी जो है युवा खुश था, हाँ। काम कर रही थी, आप बताइए, हफ्ते में 5 दिन हम लोग दुकान खोल रहे हैं, हाँ। और 5 दिन के बाद में वो भी नियम कानून के साथ, कितना नियम कानून हम लोग कर चला पाएंगे, सर वो तो महामारी की वजह से 5 दिन खुल रहा है ना, जब महामारी तो आप लोग बता रहे हैं ना, महामारी है, आप बताइए, मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने आता महामारी, अब महामारी चला गए, चली गई, आप बताइए भाई, इसमें सबसे ज़्यादा कौन परेशान हो रहा, छोटा व्यापारी, फुटपाथ वाले, रेड़ी वाले सबसे ज़्यादा, अगर इसमें परेशान छोटे व्यापारी, बड़े आदमी हो क्या भाई, अब तो अपना चल के बीजेपी वाली फंड तो दे ही रहे हैं अंदर से।